Welcome to GK RV's online class for standard 2. I'm your Hindi teacher, Sunita Sapo. तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम हमारा पहला पाठ पढ़ेंगे और हमारे पहले पाठ का नाम है सूरज और हवा. हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? सूरज और हवा. सूरज का चित्र देखो, हवा. अब देखो पाठ के बगल में क्या लिखा है? चित्र कथा. चित्र यानी पता है सबको, चित्र यानी सुंदर सुंदर तस्वीर और कथा यानी कहानी. चित्र कथा यानी जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हम पाठ के साथ साथ हमको पाठ में सुंदर सुंदर चित्र भी देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो बच्चों तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. सूरज तो सब जानते होंगे, सूरज आसमान में चमकता है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गर्माहट मिलती है और हवा भी सब जानते होंगे, है ना? हवा ठंडी ठंडी हवा बहती है ना? हवा भी सब जानते हैं. तो ये जो कहानी है बच्चों, ये कहानी है सूरज और हवा की. तो एक बार क्या होता है, सूरज और हवा में बहस चल जाती है. कैसी बहस? सूरज बोलता है मैं ज्यादा ताकतवर हूं और हवा बोलती है नहीं मैं ज्यादा ताकतवर हूं. तो इस तरीके से सूरज और हवा में बहुत बहस चल जाती है. तो फिर सूरज बोलता है ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, जो इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा. तो हवा बोलती है ठीक है चलो. फिर हवा बोलती है पहले मैं अपना ताकत दिखाऊंगी. और फिर हवा जोर से हवा चलाती है फू करके. जब हवा जोर से हवा चलाती है तो वो जो आदमी होता है अपना कमर कस के लपेट लेता है. तो फिर हवा देखते हैं वो आदमी अपना कमर कस के पर लपेट लेता है तो हवा दोबारा तेज से हवा चलाती है, इस बार भी कस के पकड़ लेता वो आदमी, तो उसका कमर उड़ नहीं पाता है. तो फिर हवा बोलती है उफ मैं तो थक गई, इस आदमी ने तो अपना कमर बहुत कस के पकड़ रखा है. फिर सूरज बोलता है अच्छा तुम थक गई, चलो अब मेरी बारी. फिर सूरज क्या करता है, सूरज अपनी गर्मी बढ़ाता है सुप 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 करके. जब सूरज अपनी गर्मी बढ़ाता है तो वो जो आदमी होता है उसको बहुत गर्मी लगने लगती है और बोलता है ओह कितनी गर्मी है, मुझे तो पसीने आने लगे. फिर जो सूरज होता है ना बच्चों, अपनी गर्मी और बढ़ा देता है सुप 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 सुप. जब सूरज अपनी गर्मी और बढ़ा देता है तो फिर क्या होता है, वो जो आदमी होता है जब पहली बार सूरज गर्मी बढ़ाता है तब वो जो आदमी होता है अपना कमर उठा के रख देता है. और जब बच्चों दूसरी बार सूरज जब अपनी गर्मी बढ़ाता है तो वो जो आदमी होता है अपनी कमीज भी उतार के रख देता है. और जैसे ही वो आदमी अपना कमीज उतार के रख देता है सूरज शर्त जीत जाता है. फिर सूरज हवा को बोलता है अब बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है. हवा बोलती है हाँ मैं हार मान गई, तुम ज्यादा ताकतवर हो. फिर सूरज कहानी के अंत में सूरज हवा को बताता है देखो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हर किसी में कुछ ना कुछ गुण अच्छाइयां होती है, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. फिर हवा को समझ में आ जाता है, हवा को अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ मैंने घमंड किया, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड करना खराब बात है. तो इस बात से क्या सीख मिली बच्चों कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं. तो बच्चों आप
आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, सूरज और हवा की। तो अभी जैसे कि हमने कहानी समझा, अभी हम अपनी हिंदी की पुस्तक निकालेंगे और हम इसका पठन करेंगे, यानी हम हिंदी की पुस्तक निकालकर हम पढ़ाई करेंगे। सारे बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए, पहला पाठ सूरज और हवा। अब मैं पढ़ूंगी एक बार और मेरे पीछे पीछे आप लोग भी पढ़िए, ठीक है? चलिए बच्चों, अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए। मेरे पीछे पीछे बोलो बच्चों, सूरज और हवा। देखो बगल में क्या लिखा है, चित्रकथा। चित्रकथा यानी मैंने आपको बताया था, चित्रकथा यानी एक ऐसी कहानी जिसमें हम चित्र देख देख कर कहानी पढ़ते हैं। देखो हमारे इस पाठ में चित्र बना हुआ है ना, सूरज का, हवा का और वो जो आदमी था, ठीक है? चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरे पीछे पीछे आप लोग भी पढ़िए, अपनी बुक निकालिए और उंगली रख रख के पढ़िए सारे। देखो सबसे पहले सूरज बोलता है, वो बोलता है मैं ताकतवर हूं। फिर हवा बोलती है नहीं मैं ताकतवर हूं। फिर सूरज बोलता है चलो शर्त लगाते हैं, जो इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वही ताकतवर माना जाएगा। अब देखो सूरज और हवा में क्या शर्त लगती है, उन दोनों में ये शर्त लगती है बच्चों, जो इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वो ताकतवर माना जाता है जाएगा। फिर हवा बोलती है मंजूर है। और फिर उसके बाद सबसे पहले हवा कोशिश करती है अपना ताकत दिखाने के लिए। हवा बोलती है अच्छा पहले मैं इसके कपड़े उतरवाती हूँ। और फिर देखो हवा बहुत तेज से हवा चला रही है। चित्र देखो, हवा ने अपना मुंह खोल रखा है ना, और वो बहुत तेज से हवा चलाती है। तो फिर वो जो आदमी होता है अपना कंबल कस के पकड़ लेता है। देखो क्या बोलता है आदमी, अरे ये हवा तो मेरे कपड़े ही उड़ा कर ले जाएगी, मैं कसकर अपने कपड़े लपेट लेता हूँ। बच्चों वो आदमी क्या बोलता है, वो आदमी बोलता है अरे ये हवा तो मेरे कपड़े ही उड़ा कर ले जाएगी, मैं कसकर अपने कपड़े लपेट लेता हूँ। और फिर उसके बाद जो हवा होती है दोबारा कोशिश करती है, लेकिन वो उस आदमी के कपड़े उड़ा नहीं पाती, क्योंकि उस आदमी ने तो अपने कपड़े कसकर पकड़ लिया होता है। फिर हवा बोलती है मैं तो थक गई, इसने तो बहुत मजबूती से अपने कपड़े लपेट रखे हैं। हवा क्या बोलती है बच्चों, मैं तो थक गई, इसने तो बहुत मजबूती से अपने कपड़े लपेट रखे हैं। फिर सूरज हंसता हुआ बोलता है, देखो बच्चों सूरज हंस रहा है ना, सूरज हंसता हुआ बोलता है तो तुम थक गई, चलो अब मेरी बारी। और फिर उसके बाद सूरज अपनी ताकत दिखाता है। बच्चों देखो सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है ना आपको, ये सूरज अपनी गर्मी बढ़ा रहा है। जैसे ही सूरज अपनी गर्मी बढ़ाता है उस आदमी को गर्मी लगने लगती है, और वो क्या बोलता है, अरे अचानक गर्मी हो गई, अब तो पसीने भी छूटने लगे। वो आदमी क्या बोलता है, अरे अचानक गर्मी हो गई, अब तो पसीने भी छूटने लगे। और ऐसे बोल के वो जो आदमी होता है, देखो इसने अपना कंबल पकड़ रखा है ना, अपना कंबल उतार करके रख देता है। फिर जो सूरज होता है बच्चों अपनी गर्मी और बढ़ाता है, जुप 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 जुप। जैसे ही सूरज अपनी गर्मी और बढ़ाता है वो आदमी बोलता है गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, कमीज भी उतार देता हूँ। जैसे ही वो आदमी, जैसे ही सूरज अपनी गर्मी बढ़ाता है उस आदमी को इतनी गर्मी लगने लगती है कि उसने जो अपना कमीज पहना होता है उसको भी उतार देता है। और जैसे ही वो आदमी अपना कमीज उतारता है सूरज शर्त जीत जाता है। और वो क्या बोलता है हवा से, अब बताओ कौन ताकतवर है। फिर हवा बोलती है हाँ मैं मान गई तुम ताकतवर हो। यहाँ पर हवा शर्मिंदा हो जाती है।
बच्चों, उसको ये समझ में आ जाता है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सूरज बहुत ही प्यार से हवा को समझाता है। हर व्यक्ति में गुण होते हैं, कभी घमंड मत करो, किसी को छोटा मत समझो। सूरज हवा को क्या समझाता है बच्चों? हर व्यक्ति में गुण होते हैं, कभी घमंड मत करो, किसी को छोटा मत समझो। फिर हवा शर्मिंदा हो जाती है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो फिर हवा बोलती है, हाँ अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। तो बच्चों, आपको सूरज और हवा की कहानी समझ तो आ गई होगी। अभी आप घर में सूरज और हवा की जो कहानी है वो पढ़िए, अच्छी तरीके से दोबारा पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ ली, अभी आप एक बार खुद से सारी कहानी पढ़िए। अभी पृष्ठ संख्या 6 में आइए और देखिए शब्दार्थ मेरे साथ साथ पढ़िए बच्चों। ताकतवर, जिसमें ताकत हो। ताकतवर, जिसमें ताकत हो। मजबूती, सख्ती। मजबूती, सख्ती। अचानक, एकदम। एकाएक, एकदम। अभी नीचे आइए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। इन शब्दों का उच्चारण करना है। एक बार मैं पढ़ूंगी बच्चों और मेरे पीछे पीछे आप लोगों को उस शब्द को पढ़ना है, ठीक है? बोलिए, ताकतवर, शर, मजबूती, अचानक, व्यक्ति। बोलो व्यक्ति। घमंड। अभी नीचे आइए बच्चों, बताइए पहला प्रश्न है क, हवा और सूरज में क्या शर्त लगी? हवा और सूरज में क्या शर्त लगी थी बच्चों? हवा और सूरज में ये शर्त लगी थी, जो उस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वो शर्त जीत जाएगा। ख, क्या हमें अपने गुणों पर अभिमान करना चाहिए? नहीं, हमें अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, अभी हमने प्रश्न क का उत्तर बताया। अब सारे बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए और प्रश्न के नीचे पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न लिखिए क, सूरज और हवा में क्या शर्त लगी? इसके नीचे उत्तर लिखिए। सारे बच्चे लिखिए कॉपी में। सब बच्चों ने कॉपी निकाल लिया बच्चों? ये क का उत्तर है, ठीक है? क का उत्तर लिखिए, सारे कॉपी निकालिए। हवा और सूरज में ये शर्त लगी कि जो उस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वो ज्यादा ताकतवर माना जाएगा, ठीक है? हवा और सूरज में ये शर्त लगी थी बच्चों, जो उस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वो ज्यादा ताकतवर माना जाएगा, ठीक है बच्चों? अभी दूसरे प्रश्न पर आओ। हमारा दूसरा प्रश्न है ख, क्या हमें अपने गुणों पर अभिमान करना चाहिए? इसका उत्तर होगा नहीं, हमें अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्लैकबोर्ड से उत्तर नोट कीजिए बच्चों, लिखिए ख का उत्तर, लिखिए सारे।
अभिमान नहीं करना चाहिए। गुड। बच्चों, आपने ख का उत्तर लिख लिया, अभी लिखित में आइए। सारे बच्चे लिखित में आए, पढ़िए मेरे साथ साथ पढ़िए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है? सही उत्तर के सामने हमें यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। क, इस कथा में कुल कितने पात्र हैं? इस कहानी में कितने लोग होते हैं बच्चों? 2, 3, 4, कितने लोग होते हैं? पहला सूरज, दूसरा हवा और तीसरा आदमी। कुल कितने पात्र हुए, कुल कितने आदमी हुए इस कहानी में? 3। तो 3 के ऊपर सही का चिन्ह लगाइए। लगाया सबने? अभी ख में आइए। अंत में